देश में नियुक्ति मेला की कल भी आयोजन किया गया, अक्टूबर महीने की 22 तारीख को भी किया गया था, नवंबर में भी किया गया है, आगे भी कर दिया जाएगा। 10 लाख रिक्त पदों को भर के या नया पद सृजन करके नई पीढ़ी को काम के अवसर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी का अवसर दिया जाएगा भारत सरकार की ओर से। उसके साथ साथ हमारी जो विचार परिवार की राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटोरी है, उनको भी दायित्व दिया गया है आपके वहां पद भर्ती का मुहिम चलाओ। नौजवान की आकांक्षा अपेक्षा को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उतना नहीं, उसको करते करते रोस्टर भी मेंटेन हो। सालों से रोस्टर को मेंटेन नहीं किया गया। बागी सार जी ने सही कहा, किसी ना किसी बहाना करते हुए, कोर्ट कचहरी की उलझन खुद बनाते हुए समाज की वंचित वर्गों को अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। ये सरकार सभी का है, सभी को न्याय देगा, सभी को साथ लेकर चलेगा, सबकी उसमें से प्रयास की आवश्यकता है। इस विचारधारा में हमारी विश्वास है। आपकी 3P की बारे में आपने आभार प्रकट किया, पेंशन की हो, प्रमोशन की हो या पोस्टिंग की हो, इस सारा विषय में हमसे जो दायित्व हमसे है, हमारे पास है, हमसे जो आपका अपेक्षा है, वो सारे को समय के हिसाब से पूरा किया जाएगा। NEP ने एक नया बेंचमार्क हम सभी के सामने रखा है, जो हम सबको आने वाले दिनों में और अवसर देगा। ये हमारी NEP में बेंचमार्क है कि आज हमारी हायर एजुकेशन की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है देश के एवरेज। इसको 2035 तक, यानी आने वाले 10-12 सालों में उसको 50% करना है। ज्यादा विद्यार्थी आएंगे तो ज्यादा प्राध्यापक भी लगेंगे, ज्यादा प्राध्यापक लगेंगे तो आपको जल्दी जो एसोसिएट हो प्रोफेसर बनोगे, जो असिस्टेंट हो, जो एसोसिएट हो जाओगे, फिर असिस्टेंट ऊपर जाएगा, एसोसिएट ऊपर जाएगा, प्रोफेसर वाइस चांसलर बनेगा, ज्यादा इंस्टीट्यूट खुलेंगे। इसलिए ये हमारी प्रतिबद्धता है देश को आगे एक मोमेंटम पे डालने के लिए। और मैं आपकी और जो कुछ अपेक्षा है, कभी मैं आपको आज वागी जी और आप सभी मित्रों को, CSG मित्रों को निमंत्रण देता हूं, आप कभी भी मेरे पास आइए, हम बैठ के इस विषय को और समझना चाहेंगे और आपकी जो अपेक्षा है उसको और कैसे, क्योंकि तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, भले ही आपको कोई चाय ना पिलाए, हम तो आपको मिठाई भी खिलाएंगे। आइए, सिर्फ आपको पानी चाय में मिठाई भी खिलाएंगे और हम मिलके शिक्षकों की, क्योंकि हमारी देश में हम एक विषय को पूरा रियलाइज किए हैं और हमारी देश की ये परंपरा है कि मित्रों, देश में 1 करोड़ शिक्षक है, देश में 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, मैं स्कूल की बात कह रहा हूं, स्कूल से लेकर रिसर्च तक 30 करोड़ स्टूडेंट हैं, 16 लाख इंस्टीट्यूशन से स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, 16 लाख इंस्टीट्यूशन से, और 1 करोड़ टीचर है। 1 करोड़ टीचर इंस्टीट्यूट बेकार हो जाएंगे अगर टीचर लायक नहीं होंगे। ये 30 करोड़ बच्चे ठीक समझ पाएंगे, नई पीढ़ी के लिए जिम्मेवारी ले पाएंगे अगर उनको सिखाने वाले ये 1 करोड़ टीचर अपने श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। इसलिए सारे कड़ी की प्रमुख हिस्सा शिक्षक है, इसलिए हमें उसमें से कोई, क्योंकि सारा चीज इकट्ठा हो ना हो, निरंतर आपकी अपेक्षा को पूरा करने की दायित्व हमारी बनती है, उसको मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं।